हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज हम इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस करेंगे नाउन जेंडर, जिनको हम इजी वे में बोलते हैं मेल और फीमेल। इन्हें कोई ही वर्ड्स और शी वर्ड्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जेंडर क्या होते हैं। जेंडर क्या होता है? ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन्स और ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिनसे उनके मेल या फीमेल होने का पता चलता है, उनको हम कहते हैं जेंडर। अब जेंडर की हम बात करें तो जेंडर टू टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर, जिनको हम बोलते हैं मेल और फीमेल, या मेल नेमिंग वर्ड्स और फीमेल नेमिंग वर्ड्स। तो देखिए, मेल नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? फर्स्ट है मेल नेमिंग वर्ड्स। मेल नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेम्स फॉर बॉयज, मेन एंड मेल एनिमल्स आर मेल नेमिंग वर्ड्स। नेम होते हैं किस किस के लिए? बॉयज के, या मेन के, या मेल एनिमल के, उनको हम कहते हैं मेल नेमिंग वर्ड्स। जैसे हो गया मैन, टाइगर, फादर। तो इनसे क्या पता चल रहा है? ये हमारे मेल हैं, मेल नेमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है फीमेल नेमिंग वर्ड्स। फीमेल नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेम्स फॉर एनी गर्ल, कोई गर्ल हो, या वुमेन हो, या वीमेन हो, या फीमेल एनिमल हो, उसको हम कहते हैं फीमेल नेमिंग वर्ड्स। जैसे वुमेन है, ये हमारा फीमेल है। टाइग्रेस है, ये भी फीमेल है। मदर है, ये भी फीमेल है। क्योंकि ये किसके नेम है? ये किसी गर्ल का होगा, या किसी वुमेन, या वीमेन, या फीमेल एनिमल्स के होंगे। तो ऐसे क्या हो जाएंगे? इनको हम कहेंगे फीमेल नेमिंग वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स हैं, वुमेन है, टाइग्रेस है, मदर है, ये हमारे फीमेल नेमिंग वर्ड्स हैं, फीमेल नाउन हैं ये हमारे, या हम कह सकते हैं ये हमारा फीमेल जेंडर है। द वर्ड यूज फॉर मेल्स, जो वर्ड मेल के लिए यूज होते हैं उनको हम ही वर्ड्स बोलते हैं, और जो वर्ड हमारे फीमेल के लिए यूज होते हैं उनको हम शी वर्ड्स बोलते हैं। लुक एट सम मेल एंड फीमेल नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ मेल और फीमेल नेमिंग वर्ड्स हैं। जैसे बॉय है, तो बॉय क्या है? मेल है। इसका फीमेल क्या होगा? गर्ल। ग्रूम मेल है, फीमेल होगा ब्राइड। कॉक मेल है, हैन होगी उसकी गर्ल या फीमेल। नेक्स्ट किंग क्वीन, हॉर्स मेयर, टाइगर टाइग्रेस, एम्परर एम्प्रेस, डक ड्रेक, हीरो हीरोइन, सर मैडम, सन डॉटर, फादर मदर, बुल काउ, नेफ्यू नीज, पीकॉक पी हैन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, लॉर्ड लेडी, विजार्ड विच, अंकल आंट, सर्वेंट मेड। ये यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं मेल और फीमेल नेमिंग वर्ड्स के, या मेल और फीमेल जेंडर के। तो अगर आपके पास सन आता है मेल, उसका फीमेल हमें बनाना है, तो सन का फीमेल क्या हो जाएगा? डॉटर। फादर है, फादर मेल है, उसका फीमेल क्या होगा? मदर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल हमने कंसिडर किए हैं। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ वर्कशीट देखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, फर्स्ट है अंडरलाइन द मेल नेमिंग वर्ड्स एंड सर्कल द फीमेल नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है मेल को और सर्कल करना है फीमेल नेमिंग वर्ड्स को। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द पुलिसमैन चेजेस द थीफ। अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? पुलिसमैन, पुलिसमैन है, मैन का मतलब मेल है ये। तो ये क्या करना है हमें? अंडरलाइन करना है। और थीफ है, वो भी क्या है? हमारा मेल है। तो ये भी क्या होगा? अंडरलाइन होगा। नेक्स्ट है, द सेल्स वुमेन इज शोइंग मी अ ब्यूटिफुल ड्रेस। अब इस सेंटेंस की हम बात करें तो इसके अंदर है सेल्स वुमेन, एक ये वर्ड है जिससे हमें उसके फीमेल होने का पता चल रहा है। तो जेंडर क्या होता है? जिससे उसके कोई ऐसे वर्ड्स जिनसे उनका मेल या फीमेल होने का पता चलता है, तो हम जिससे हमें आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे ये जो सेल्स वुमेन है, ये हमारी फीमेल है। तो इसको हमें अंडरलाइन नहीं करना है, इसको हमें करना है सर्कल। तो यहाँ पे इसको करेंगे सर्कल। तो देखिए, नेक्स्ट, इसमें लाइन में कोई भी और दूसरा जेंडर वर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट, द किंग हैज़ अ बिग क्राउन। किंग, किंग से उसके मेल होने का पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडरलाइन, हैज़ अ बिग क्राउन। क्राउन और ये वर्ड्स बाकी के जो हैं वो कोई भी जेंडर शो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द गर्ल वॉक्स होम फ्रॉम स्कूल। इस सेंटेंस की हम बात करें तो ये गर्ल है, ये हमारा फीमेल जेंडर है, तो इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज मदर इज बेकिंग अ केक फॉर ब्रदर। मदर, मदर जो है फीमेल है, इसलिए इसको हम करेंगे सर्कल, और ब्रदर जो है वो मेल है, इसलिए इसको करेंगे हम अंडरलाइन। तो यहाँ देखिए, इसके अंदर बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कौन सा वर्ड है जो कि जेंडर को शो कर रहा है, उसके बाद ये भी आइडेंटिफाई करना है कि वो मेल है या फीमेल है। नाउ नेक्स्ट इज राइट द मेल और फीमेल नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जिनमें कुछ मेल जेंडर हैं और कुछ फीमेल जेंडर हैं। तो जो मेल है उनका फीमेल हमें लिखना है, जो फीमेल है उनकी मेल जेंडर यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हम बात करें अंकल, अंकल मेल है, इसका फीमेल क्या बन जाएगा? आंट।
नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और प्रिंसेस लिखा हुआ है. प्रिंसेस फीमेल है, इसका मेल हो जाएगा प्रिंस. नेफ्यू, नेफ्यू का फीमेल होगा नीज. लेडी, लेडी का मेल होगा लॉर्ड. बुल, बुल का फीमेल होगा काउ. किंग का फीमेल होगा क्वीन. लायन का लायनेस. ब्राइड, ब्राइड का मेल हो जाएगा ग्रूम. हैन, हैन का मेल होगा कॉक. विजार्ड का हो जाएगा विच. नाउ नेक्स्ट इज चेंज द जेंडर एंड रीराइट द सेंटेंस. अगेन ये एक सेंटेंस दिए गए हैं, इनके अंदर पहले हमें जेंडर को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उस जेंडर को उसके मेल और फीमेल जेंडर के अंदर कन्वर्ट करना है और ये सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना है. तो देखिए, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन डेली. इस सेंटेंस की बात करें तो ग्रैंड मदर जो है वो हमारा फीमेल जेंडर है, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे मेल के अंदर. तो माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर लिव्स इन डेली. नेक्स्ट द पीकॉक हैज ब्यूटिफुल फेदर्स. तो यहां पे क्या आ जाएगा, द पी हेन हैज ब्यूटिफुल फीदर्स. नेक्स्ट द हीरो ऑफ द फिल्म इज अ गुड एक्टर. अब इस सेंटेंस की हम बात करें तो यहां पे हीरो और एक्टर दो जेंडर हैं, दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे तो हीरो का क्या बन जाएगा, हीरोइन. द हीरोइन ऑफ द फिल्म इज अ गुड एक्ट्रेस. नेक्स्ट माई सन इज इन क्लास सेकेंड. यहां पे सन है जेंडर, क्या आ जाएगा, माई सन का चेंज हो जाएगा डॉटर. माई डॉटर इज इन क्लास सेकेंड. नेक्स्ट देयर इज अ बुल इन द फील्ड. देयर इज अ बुल इन द फील्ड, इसका क्या बन जाएगा, देयर इज अ काउ इन द फील्ड. नाउ नेक्स्ट इज मैच द ही वर्ड्स इन अ कॉलम ए विद द शी वर्ड्स इन अ कॉलम बी. तो देखिए, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है. यहाँ पे कुछ ही वर्ड्स और मेल वर्ड्स लिखे गए हैं, यहाँ पे उनको उनके फीमेल वर्ड्स और शी वर्ड्स लिखे गए हैं. तो यहाँ पे मेल को हम फीमेल से मैच करेंगे. फादर, फादर का फीमेल क्या हो जाएगा, मदर. तो फादर को मैच किया मदर से. एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस. गोड का हो जाएगा गोडेस. कॉक, हैन. किंग, क्वीन. अंकल, आंट. सो ये थी हमारी आज की इंग्लिश ग्रामर की कुछ वर्कशीट. आई होप आज की वर्कशीट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो. वर्कशीट अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.